ये है बहादुरपुर का श्याम मंदिर, आपको दिखा रहे हैं हम, और यहीं पे है बालाजी नेत्रालय। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बालाजी नेत्रालय में 200 पेशेंट का इलाज होने जा रहा है आंखों का। तो चलिए आज चलते हैं बालाजी नेत्रालय। देखिए यहाँ पे बालाजी नेत्रालय में जब आइएगा आप, तो आपको देखिए यहाँ पे सलासर बालाजी राजस्थान में जो है वो देखने को मिलता था, ये प्रतिमा बालाजी का। और देखिए ये बालाजी नेत्रालय में सेम प्रतिमा बनाया गया है, लगेगा कि आपको वहीं हम पहुंच गए, सलासर बालाजी। और यहाँ का लोगों का, भक्तों को अभी आस्था है कि भाई आते हैं तो एक बार भगवान को आशीर्वाद लेकर अंदर बालाजी में जाते हैं और इलाज कराते हैं। जी, सबसे पहली बात तो क्या है कि जो डॉक्टर शशि मोहन का है वो मेरे समझ से इनसे अच्छा कोई डॉक्टर नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 2-3 साल पहले पिताजी का भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था और बहुत अच्छे, और अभी मम्मी का भी करवाया हूँ, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और साथ साथ समाज सेवी भी हैं। और जहाँ तक मंदिर का है, इससे पहले मैं राजस्थान में सालासर बजरंगबली का मंदिर देखा था और उसके बाद बहुतों जगह गया लेकिन कहीं दर्शन नहीं हुए, और आज फिर जब मैं ये यहाँ बालाजी नेत्रालय बहादुरपुर में आया हूँ तो यहाँ पर दरवाजे पर सालासर बजरंगबली का दर्शन करके मन में जो भी थी बहुत ही अच्छा, और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर डॉक्टर साहब ने ये आगे एक मंदिर बनवाया है कि भक्तों को अपनी मनोकामना, यहाँ जो वहाँ नहीं जा सकते हैं यहाँ आके अपनी मनोकामना पूरी करें। ये बालाजी नेत्रालय जो है आयुष्मान भारत से भी मान्यता मिला हुआ है।
68 साल। तो ये 68 साल के हैं और अभी इनका आँख का ऑपरेशन हुआ है। देखिए कोई टाका कुछ नहीं, ये फेको विधि से हुआ है। क्या दर्द महसूस हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसा फील कर रहे हैं आप? ठीक ठीक है, ये बिल्कुल स्वस्थ हैं। हम आपको बता दें कि अगर फेको विधि से सर्जरी अगर आप आँख का मोतियाबिंद का कराते हैं और लेंस लगवाते हैं तो ये खर्च जो है करीबन 20,000 से ऊपर आता है। लेकिन श्री बालाजी नेत्रालय में आज क्या बाबा कितना पैसा लगा है? फ्री में। तो ये फ्री में लगा है और ये राधा देवी मोहन का चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये लगता है और यहाँ पे आज 200 लोगों का मेगा शिविर लगा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए कोई बात नहीं, रोइए नहीं। तो ये समाज में ऐसे भी लोग हैं जो कि एक पैसा भी नहीं लेते हैं और बल्कि चाय नाश्ता खाना सब कुछ मिलता है और लोग यहाँ आते हैं और हंस कर जाते हैं। तो बने रहिए पटना नगरिया पे, हम आपको लेके चल रहे हैं अभी बाढ़ में। तो ये यहाँ का बाढ़ है जहाँ पे ऑपरेशन होने के बाद कुछ देर के लिए मरीज को यहाँ पे रहने का व्यवस्था है ताकि वो रिलैक्स फील कर सकें। तो ये देखिए यहाँ का बाढ़ भी कितना साफ सुथरा और सब सुचारू ढंग से, बहुत ही अच्छा। और यहाँ आके सबसे बड़ा एक फील होता है कि जो कि लगता ही नहीं कि अस्पताल में हम हैं। भैया आपके पेशेंट हैं, कैसा फील करते हैं यहाँ पे आके? यहाँ आकर के बहुत अच्छा फील करते हैं, सफाई भी बहुत अच्छे है, डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि माँ का नेक्स्ट ऑपरेशन कहीं और भी करवाए थे लेकिन यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, बड़ा भी है और काफ़ी अच्छा भी है। क्या चाहिए कि जब माँ का ऑपरेशन होता है तो खुद लाइव हम देख भी रहे थे, लाइव देख रहे थे। और यहाँ पर जब भी आए यहाँ पर तो देखिए नीट एंड क्लीन, बहुत सफाई है, यहाँ के वर्कर लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बिहेवियर करते हैं, किसी तरह से रुखली बात नहीं करते हैं, माँ को अपने जैसा एकदम लगता है कि कहीं और दूसरे जगह नहीं लगता, अपने घर के जैसा ही यहाँ ट्रीटमेंट होता है। यहाँ का एक सबसे बड़ी खासियत है कि लाइव व्यू विंडो है कि आप पेशेंट को डायरेक्ट लाइव ऑपरेशन और लेंस लगाते हुए देख सकते हैं। क्या आपने देखा, कैसा लगा? हमने देखा, हमने खुद गया भी नहीं, हमें बुला करके दिखाया गया है कि आप आकर देखिए आपकी माँ का ऑपरेशन हो रहा है, कैसा आपको लग रहा है कि देखिए माँ का ऑपरेशन लाइव टीवी पे भी दिख रहा था, डॉक्टर साहब भी और वर्कर लोग भी वहाँ पे थे, या डॉक्टर लोग और भी थे, हमने खुद देखा भी और खुद थोड़ा सा वीडियो भी बनाया और फोटो भी मैंने खींचा, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ लाइव के डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये एग्जैक्टली पता चलता है यहाँ पे। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम ये मोनू लेक स्टेडियम स्वीट हार्ट लाइन से आए हैं। सर के बारे में कोई हमें बताए थे तब हम आए। इनकी उम्र का आपको अंदाज़ा देखने से लगे या न लगे तो मैं आपको बता दूं कि इनकी उम्र 101 साल की है और इनका भी आँख का ऑपरेशन हुआ है बालाजी नेत्रालय में। बाबा ऑपरेशन कब हुआ है आपका? एक तारीख। तो क्या कहेंगे आप यहाँ के अस्पताल के बारे में? बढ़िया कहेंगे, आप बढ़िया है? हाँ, डॉक्टर साहब एकदम ठीक है। कितनी उम्र हुई है आपकी? 100 से तनी मनी बेसी हुई। तो 100 से तनी मनी बेसी हुआ है, आप देख रहे हैं। और ये आए थे यहाँ पे तो क्या लग रहा था, कुछ लग रहा था, डर लग रहा था पहले? हाँ, ऑपरेशन के पहले एकदम बढ़ना लगता, एकदम नहीं लगता था। अब लोग कुछ अब लोग रहा है? हाँ, ये ऐसे 5 साल पहले भी यहीं से हुआ है, फ्री में इलाज। अच्छा, यहीं से? हाँ, यही डॉक्टर साहब की ना ये हुआ। अच्छा, इस बार दूसरा हुआ है? हाँ, दहीना। कितना पैसा लिया गया है? एको पैसा नहीं। दोनों आँखा फ्री में करा लिए? हाँ, फ्री में डॉक्टर साहब का भी दला। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? बिहटा थाना से। तो बेटा से देखिए आए हैं बाबा और एक आँख नहीं दोनों आँख करवाए हैं और लेंस भी लगाए क्या?
अब हम ना देख ली कि लेंस लगा दिया। तो देखिए लेंस भी लगा है, इनके परिजन बता रहे हैं लेंस लगा है जी। ये लेंस लगा है, दोनों फ्री में बना लेंस लगा है, टोटल इलाज का दवा चश्मा सब फ्री है। तो देखिए अगर एक आंख आप कहीं दूसरे जगह जाइएगा तो 20,000 तो लगना ही लगना है, और दोनों बाबा को फ्री में लगा है। उम्र देख लीजिए 100 से ऊपर है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो बालाजी नेत्रालय कई लोगों को फ्री में इलाज करता रहा है, और वो भी आप लाइव सर्जरी देखे थे? हाँ देखे हैं, आँखों के सामने देखे हैं। कैसे इलाज हो रहा था आपको, दिख रहा था? बिल्कुल आसान। डॉक्टर साहब भी दिख रहे थे कि खाली बिल्कुल डॉक्टर साहब भी सामने थे, ओपन में थे। कैसा लगा आपको सर्जरी देख के? बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत आसान लग रहा था। नहीं तो बहुत लोग तो घबरा जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई घबराहट नाम का चीज़ ही नहीं था। तो देखिए यहाँ के जो लाइव व्यू विंडो है लोगों को आकर्षित भी करता है, और अपने मरीज को जो है लाइव ऑपरेशन होते हुए देखते हैं। ये बिहार में एकलौता श्री बालाजी नेत्रालय है, तो बने रहिए पटना नगरिया पे। श्री बालाजी नेत्रालय कितने सालों से लोगों को फ्री सेवा देते आ रहा है? 10 साल चेन्नई में रहने के बाद जब हमने बिहार का रुख मोड़ा, तो उस समय में हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि जो भी गरीब तबके के लोग हैं जो सक्षम नहीं है उनके लिए कुछ किया जाए। तो 10 साल पहले हम लोगों ने जो अग्रसेन सेवा न्यास है बैंक रोड में, वहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी। वहाँ पर हम लोगों ने निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शुरू किया और नेत्र जांच भी वहाँ से शुरू किया, और पिछले 6 साल से हम लोगों ने राधा देवी मोहनका चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में हर चौथे रविवार को, महीना के चौथे रविवार को यहाँ पे निःशुल्क नेत्र जांच की जाती है, और उसमें से जो भी व्यक्ति सक्षम नहीं है उन लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको विधि के द्वारा किया जाता है। और जब तक हम लोग रहेंगे ये ट्रस्ट उसी तरह चलता रहेगा और लोगों की सेवा करता रहेगा। कि आगे श्री बालाजी नेत्रालय कौन सा कैंप लगाने जा रहा है? आगे का जो कैंप है हमारा, एक दो कैंप लगेगी अक्टूबर में। एक 9 तारीख को बालाजी नेत्रालय का जो नया परिसर है बहादुरपुर के पास श्याम मंदिर के बगल में, वहाँ श्याम सेवा ट्रस्ट और बालाजी नेत्रालय राधा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में हम लोग यहाँ एक मेगा हेल्थ कैंप लगा रहे हैं, और लोगों को हम अपील करते हैं जो भी सक्षम नहीं वो जरूर आएँ। यहाँ पे आँख का और दांत का ENT, कान नाक गले वाले डॉक्टर और डायबिटोलॉजिस्ट, ये चारों लोग यहाँ पे रहेंगे, और सबका मुफ्त में इलाज किया जाएगा। पैथोलॉजी भी जो है, शुगर वगैरह की भी जांच मुफ्त में होगी। और मोतियाबिंद का जहाँ तक बात है, उसमें अगर कोई भी व्यक्ति मोतियाबिंद के कारण देख नहीं पा रहा है, उनका ट्रस्ट जो है वो ऑपरेशन मुफ्त में करेगी। और एक कैंप जो हम लोग एक मुकामा में 16 अक्टूबर को लगने जा रहा है, वो भी एक मेगा हेल्थ कैंप रहेगी, और वहाँ पर भी करीब हम लोग 500 से 600 लोगों को देखने की हम लोग को सोच रहे हैं कि आँख की जांच की जाए, और वहाँ भी 10 से 15 लोगों का ऑपरेशन जो है राधा देवी ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। सर ये राधा देवी ट्रस्ट है क्या? राधा देवी मेरी दादी जी का नाम है, और इनको जब हम विकास विद्यालय में हमारी प्राइमरी एजुकेशन 10th+2 विकास विद्यालय में हमने किया था, और उस समय में हम 9th या 10th में थे, और राधा देवी जो हमारी दादी जी हैं उनको एक बार ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, और ब्रेस्ट कैंसर मैलिग्नेंट था, और उनको बॉम्बे ले जाया जा रहा था, तो उनका एक ही वर्ड था कि मरने के पहले वो मेरा चेहरा देखना चाहती थी। तो ये वर्ड, और वो आई रांची में जब हम वहाँ पढ़ते थे, और वहाँ
हमसे मिल के, तब उनका फिर ऑपरेशन किया गया और कुछ दिन के बाद उनका देहांत भी हो गया। तो उस दिन ही हमने कसम खाया था कि जो व्यक्ति मतलब कि मरने के पहले किसी का चेहरा देख के मरना चाहता है, तो उनके नाम पर अगर हम कुछ आगे बढ़े तो इनके नाम से एक सेवा ट्रस्ट जरूर हम खोलेंगे जिसमें गरीबों के लिए हम सेवा कर सकें। और ऐसा मौका लगा नहीं, 10 साल हम चेन्नई चले गए, फिर पटना भी आए। संजोग से 2016 में हम लोगों ने बालाजी नेत्रालय की स्थापना की और सबसे पहले हमने राधा देवी मोहन का चैरिटेबल ट्रस्ट उसके साथ साथ स्थापना इस उद्देश्य से किया कि मोतियाबिंद के कारण कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव में अंधा नहीं रहे। और आज ये ट्रस्ट खूब बढ़िया से चल रही है, जहाँ पर कि मेरा जन्मभूमि सुपौल हुआ और वहाँ से भी हम लोग हर साल 25 लोगों का निःशुल्क ऑपरेशन वहाँ से बस भर के आती है और यहाँ हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। और ये ट्रस्ट जो है, जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे ये ट्रस्ट चलती रहेगी और इसी तरह गरीबों की सेवा होती रहेगी। फिर हम आपको 10 तारीख को दिखाएंगे मेगा कैंप।